नमस्ते, आपका मेरे चैनल आरोही क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको कली वाली सलवार की कटिंग बताने वाली हूँ। तो इसके लिए ये मैं कपड़ा ली हुई हूँ। ये मेरा कपड़ा जो है वो 2.25 मीटर है और इसका जो चौड़ाई है या फिर अरज कहिए वो 42 इंच है। मेरा मेजरमेंट जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं इसे सबसे पहले खोल लेती हूँ और डबल फोल्ड करके रखती हूँ। तो इस तरह से देखिए, मैं डबल फोल्ड करके रखी हुई हूँ। ये हमारा चौड़ाई के साइड है। तो इस तरह से मैं इसे फिर से एक बार फोल्ड करती हूँ तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैं मोहरी लेती हूँ 7.5 इंच और प्लस 1 इंच मैं ले रही हूँ, यानी 8.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। आप जितना भी मोहरी चौड़ाई लें उस हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर लें। इस तरह से देखिए, मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले नीचे में एक सीधी मार्किंग कर लेती हूँ और एक मार्किंग और ऊपर की और कर लेती हूँ ताकि हमारा लाइन जो है वो सीधी हो। इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, सीधी लाइन। ये हमारा जो है, अब यहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ। ये इसके मोहरी के लिए मैं इसमें, मेरा कपड़े का जो अरज है वो ज़्यादा है, इसलिए मैं मोहरी यहाँ पे साथ में ही ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं बेल्ट जो लेने वाली हूँ वो 7 इंच, इसलिए मैं यहाँ पे 6.5 इंच ऊपर की ओर छोड़ के इसके बाद में मार्किंग करूँगी। तो मेरी लंबाई है 39 इंच, मैं 39 इंच पे रख के यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। इस तरह से देखिए, ऊपर जो मैं मार्क की हुई हूँ उसे भी कट करके निकाल देती हूँ। अब जो ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमें बेल्ट निकालनी है, तो मैं पहले बेल्ट निकाल लेती हूँ। तो इसे मैं सिंगल कपड़े को डबल फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से देखिए, मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ। अब इसे मैं 7 इंच का बेल्ट रखने वाली हूँ, तो उसमें 1/2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी स्टिचिंग के लिए और प्लस 2 इंच लूँगी मैं नेफा के लिए बनाने के लिए। तो हमारा 9.5 इंच हो जाता है। तो मैं 9.5 इंच के चौड़ाई से इसे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से हमारा बेल्ट निकल जाएगा। और इसमें बेल्ट में देखिए, ये जो है हमें बेल्ट चाहिए 25 इंच, पर यहाँ पे हमारा कम हो रहा है। तो मैं इसमें ये साइड में से जो निकाली हुई हूँ उसे यहाँ पे अटैच करूँगी तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। इस तरह से देखिए, ये हमारा 25 इंच हो जाएगा। अब जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसे मैं डबल फोल्ड करूँगी। इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। तो मैं इस तरह से बिछा के रखी हुई हूँ। इस साइड हमारा देखिए ओपन है। यहाँ पे मैं इसी तरह 6.5 इंच ऊपर की ओर छोड़ के इसके बाद 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 2 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। तो इस तरह से 2 इंच पे एक बॉक्स बना लेती हूँ और इसे मैं गोलाई में मिला देती हूँ। इस तरह हमारा हो गया है मार्किंग। अब मैं दूसरी साइड भी इसी तरह से 6.5 इंच मैं ऊपर की ओर छोड़ते हुए 14 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी और 2 इंच का बॉक्स बना लूँगी। इस तरह से हमारा ये जो है कि हमारा आसन का पार्ट निकल गया है। इस तरह से अब मैं यहाँ से दोनों ओर लाइन मिला लूँगी। तो ये जो मैं कपड़ा कट करके पहले से रखी हुई हूँ, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि हमारा कपड़ा बराबर हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा हो रहा है। अगर आपका अरज कम होगा तो वो थोड़े से ऊपर जाएंगे। यहाँ पे मैं देखिए इस मार्क को मिला रही हूँ इस तरह से,
मिला देना है। इस तरह से देखिए मिला ली हूँ। अब मैं सभी मार्किंग को कट कर लेती हूँ जहाँ जहाँ मैं मार्क की हुई हूँ। इसमें हमारा स्टिचिंग मार्जिन साथ में ही आ रहा है, हमें एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन नहीं लेना है। इस तरह से देखिए दोनों ही पल्ले हमारे कट के निकल चुके हैं और ये यहाँ पे हमारा ज्वाइंट होगा। तो इस तरह से देखिए हमारा, मैं 7.5 इंच ले रही हूँ तो मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ और इस तरह से हमारा ज्वाइंट होने के बाद ये हमारी सिलाई जाएगी ऊपर की ओर। मैं मोहरी का कपड़ा इसमें साथ में ही कट की हुई हूँ। अगर आपका अर्ज कम हो कपड़े का तो आप मोहरी बाद में भी अलग कपड़े से भी बना सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारा ऊपर की ओर फोल्ड होगा मोहरी और यहाँ से हमारा ज्वाइंट होगा। तो इस तरह से हमारा कटिंग हो चुका है। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।